नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आप जानते ही हैं वर्तमान में श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। जैसे मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, अश्विन मास का महीना माँ दुर्गा जी को प्रिय है, उसी प्रकार श्रावण मास का महीना भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। इस महीने में किए गए अनुष्ठान बहुत ही शीघ्र लाभ देने वाले होते हैं। वैसे तो हर महीने में आप भगवान विष्णु से संबंधित अनुष्ठान कर सकते हैं, भगवान शंकर जी से संबंधित अनुष्ठान कर सकते हैं, माता दुर्गा जी से संबंधित अनुष्ठान कर सकते हैं और उसका लाभ भी आपको मिलता है। लेकिन श्रावण मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही जल्दी लाभ देने वाले होते हैं। विशेषकर महामृत्युंजय का अनुष्ठान श्रावण मास में बहुत ही जल्दी लाभ देने वाला साबित होता है। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य रोगी रहता हो, उस सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता हो, हमेशा बीमार ही बना रहता हो, तो आपको निश्चित ही इस महीने में उस व्यक्ति के नाम से महामृत्युंजय का अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। अगर आप ज़्यादा जप नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम 11,000 उस व्यक्ति के नाम से महामृत्युंजय का जप अवश्य करवा लेना चाहिए। उस व्यक्ति के नाम से कम 5 रुद्राभिषेक अवश्य करवा लेना चाहिए। आप निश्चित मानिए, जो व्यक्ति आपके परिवार में अस्वस्थ है उसके नाम से महामृत्युंजय का जप हो जाएगा, रुद्राभिषेक हो जाएगा, तो उसी दिन से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति कई दिनों से बीमार था। महीने में कम से कम 10,000-15,000 की दवाई वह व्यक्ति खा जाता था, तब भी वह दवाई उसको सूट नहीं करती थी, कोई असर नहीं होता था, उसका स्वास्थ्य ज्यों का त्यों बना रहता था। एक बार उन्होंने हमसे कुंडली दिखवाई और हमने उनकी कुंडली को देखा तो उनकी कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने उनसे कहा, आप 1,25,000 महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लीजिए, अर्थात महामृत्युंजय का जप करवा लीजिए। उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने महामृत्युंजय का जप करवाया। जप करवाने के बाद कुछ महीनों के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो गया है, आज वह पूर्णतः से स्वस्थ हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य अस्वस्थ है, ठीक नहीं रहता है, डिप्रेशन में है, चिंतित रहता है, तो आपको उस व्यक्ति के नाम से महामृत्युंजय का जप अवश्य कराना चाहिए, रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु केतु की महादशा चल रही है, तो आपको इस महीने में काल सर्प दोष की शांति करा लेना चाहिए, राहु केतु का जप अवश्य करा लेना चाहिए। जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, उस पंचमी को कहते हैं नाग पंचमी। आप नाग पंचमी को काल सर्प दोष की शांति करा लें, राहु केतु का जप करा लें, आपको राहु केतु से छुटकारा मिल जाएगा, काल सर्प दोष की शांति हो जाएगी, इससे आपको शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, मार्केश की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपके कुंडली में
किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रह बैठे हैं, वह ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, उन्हीं ग्रहों के कारण आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपकी व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस महीने में उन ग्रहों से संबंधित अनुष्ठान अवश्य करा लें, उन ग्रहों से संबंधित जप अवश्य करा लें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। श्रावण मास का महीना आपको वर्ष में एक बार ही मिलता है, यह महीना व्यर्थ नहीं जाने दें। इस महीने में किए गए अनुष्ठान आपको करोड़ गुना शुभ फल देने वाले होते हैं। इसके अलावा आप अन्य महीने में अनुष्ठान करेंगे तो उसका लाभ आपको लाख गुना होगा और श्रावण मास के महीने में किए गए अनुष्ठान करोड़ गुना शुभ फल देने वाले होते हैं। आप इस महीने में महामृत्युंजय का जप करवा सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी करवा सकते हैं, यथाशक्ति निर्माण कराइए। 11,000, 21,000, 51,000, 1,25,000 आप में जितनी सामर्थ्य है उतना शिवलिंग का निर्माण करवाइए, उनका अभिषेक करवाइए, आप महामृत्युंजय का जप भी करवाइए, जितनी आप में सामर्थ्य है उतना करवाइए, लेकिन अवश्य करवाइए। आपके घर में किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल पा रहा हो तब भी आप व्यापार वृद्धि के लिए महामृत्युंजय का जप करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। आपके परिवार में किसी भी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती हो या फिर नौकरी की चाह रखता हो, एक या दो नंबर से फेल हो जाता हो, तो उस व्यक्ति के नाम से भी आपको जप करवाना चाहिए, रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। आप निश्चित मानिए, आप महामृत्युंजय का जप करवाएंगे तो उसके कुछ दिन बाद से ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने कुंडली अच्छे ज्योतिषी से दिखवाइए और फिर आप उनसे पूछिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह इस समय अशुभ स्थिति में है, किस ग्रह के कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप उसी ग्रह को शांत करवाइए, उस ग्रह से संबंधित जप करवाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो कई वर्षों से एक ही पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो हमारा उन मित्रों से भी निवेदन है कि आप एक ही पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार कुंडली दिखवाइए और फिर आप कुंडली में जो ग्रह अशुभ स्थिति में है उस ग्रह से संबंधित आप जप करवाइए, तो आपको निश्चित ही नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा। आप एक या दो नंबर से फेल हो जाते हैं तब भी आप कुंडली दिखवाइए और जो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है उस ग्रह का जप करवाइए, तो आपको नौकरी मिलने में सहायता मिल जाएगी। हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं वह हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। आपको कब सफलता मिलनी है, कब नहीं मिलनी है, कब क्या घटना घटनी है, क्या घटना नहीं घटनी है, वह सब हमारे ग्रहों के आधार पर होता है। तो मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है आप इस महीने में महामृत्युंजय का जप अवश्य करवाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मात्र 300 रुपये का शुल्क दे करके आप अपनी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आप महामृत्युंजय का जप करवाना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करवाना चाहते हैं, नवग्रहों में किसी भी ग्रह का जप करवाना चाहते हैं, ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया जाता है और ग्रहों की शांति भी करवाई जाती है। आप वास्तु संबंधित जानकारी चाहते हो तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा व्यस्त रहते हो, आपको समय नहीं मिल पाता हो, तो आप ऑनलाइन अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन जप भी करवा सकते हैं, ग्रहों का जप ऑनलाइन करवा सकते हैं, महामृत्युंजय का जप भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं।
हमारे द्वारा ऑनलाइन जब भी किया जाता है, गारंटी के साथ किया जाता है, किसी भी प्रकार का छल नहीं किया जाता है। अभी वर्तमान में एक अमेरिका के भक्त हैं, उनका अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। कल से अमेरिका के भक्त का कल से अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। इसी प्रकार आप भी कहीं से भी हों, जहां तक हमारी यह वीडियो जा रही है, आप भारत में, विदेश में कहीं से भी हो, वहां से भी आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। गारंटी के साथ अनुष्ठान किया जाएगा, किसी भी प्रकार का छल नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है आप महामृत्युंजय का जप अवश्य करवाएंगे। यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे ही जप अनुष्ठान करवाइए, आप किसी भी ब्राह्मण से करवा लीजिए। आप इस महीने में जप अवश्य करवाइए, चाहे 11,000 बार जप करवाइए, चाहे 1100 बार जप करवाइए, चाहे आप एक रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। तो आप श्रावण मास में रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। हम सभी हिंदू भाइयों से कहेंगे, इस पवित्र माह में, श्रावण मास के पवित्र माह में आप एक रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। तो अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके परिवार में किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके ऊपर झूठा मुकदमा चल रहा है, आप नौकरी की तलाश में हैं, या आप व्यापार करने के लिए मन बना रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी का काम नहीं चल पा रहा है, तो आप इस महीने में महामृत्युंजय का जप अवश्य कराइए। अपने कार्य सिद्धि के लिए महामृत्युंजय का जप आप अवश्य कराइए। चाहे आप 11,000 महामृत्युंजय का जप कराएं, लेकिन अवश्य कराइए। ऐसा महीना आपको हर बार नहीं मिलता है। श्रावण मास का महीना वर्ष में एक बार आता है। आप इस महीने में कुछ नहीं करवा सकते हैं तो 11,000 शंकर जी के जप करवाएं, अर्थात महामृत्युंजय का जप करवाएं और अभिषेक अवश्य करवाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं, वह कार्य आपके जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, अवश्य करवाइए। तो मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।